हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 गणित का, क्लास 6वीं का विषय गणित का, हम लोग रेखाखंड पाठ की प्रश्नावली को हल करेंगे। जितना भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रियाकलाप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखा है इस पाठ से रिलेटेड, अब वो प्रश्नावली में हमको हल करके दिखाना है कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है पूरे पाठ को पढ़ करके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बनाना शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको समझाते जाऊँगी कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। इस प्रकार से हम लोग फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप लोग, आई होप आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य पहचानिए। सत्य असत्य हमको पहचानना है। पहला, एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, एक बिंदु से हम लोग असंख्य रेखाखंड खींच सकते हैं, तो ये सत्य हैं। दूसरा, दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो बिंदु से, मान लो कि ये बिंदु और ये बिंदु, क्या असंख्य सरल रेखा खींच सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं खींचा जा सकता है। हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को समझ में ना आया होगा, पहले आप लोग एक्सरसाइज वाला, क्रियाकलाप वाला वीडियो देखिए। क्रियाकलाप वाला वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको यही समझाने की, आपको उससे बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, तभी हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। तीसरा है, रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं है। बिल्कुल सत्य है। देखिए, ये भी रेखाखंड दिख रही हैं, इनकी लंबाई है लेकिन इनकी चौड़ाई नहीं मापी जाती। चौथा है, एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाए तो ये सभी बिंदु संरेख होते हैं। अब एक रेखाखंड में 4 बिंदु, मान लीजिए कि ये रेखाखंड में क्या है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु। एक ही रेखाखंड में कई बिंदु लिए जाए तो इसको क्या बोला जाता है, संरेख बिंदु बोला जाता है। आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सरसाइज में बताया है, क्रियाकलाप में होते हैं, तो ये बात भी सही है। पांचवा, 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब असंरेख मान लीजिए ऐसे है, ऐसा है और ऐसा है, तो क्या इससे हम लोग अधिकतम 2 रेखाखंड खींच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खींच सकते, क्योंकि असंरेख, संरेख मतलब एकदम सीधी लंबाई में बिंदु हो, इधर उधर ना होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार के लाइन में जो बिंदु होते हैं उसको संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कथन असत्य है, क्योंकि असंरेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड नहीं खींचे जा सकते, इसलिए असत्य है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। अब इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जो बीच में प्रतिच्छेद बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसमें हम लोगों को सामने एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो फर्स्ट नंबर का रेखाखंड है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। बाकी ये कर रहे हैं प्रतिच्छेद, ये भी कर रहा है प्रतिच्छेद, बीच बीच में प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये वाला नहीं कर रहा है, तो ये वाला सही है, क्योंकि ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आया, सरल है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई रेखाओं के युग्म में से प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं की युग्म को छांटिए। अब इसमें जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है उनको छांटना है। तो ये फर्स्ट नंबर, ये भी 20 से प्रतिच्छेद कर दी। सेकंड नंबर, ये भी 20 से प्रतिच्छेद कर दी। थर्ड नंबर, ये भी 20 से प्रतिच्छेद कर दी है, लेकिन जो ये फोर्थ है, ये बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने इसको छांट लिया। ठीक है, हम लोगों ने इन सबको छांट लिए ना, कौन कौन सी प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर मतलब लिख के बताना है, तब यहाँ साक्षात आपको दिखाई दे रहा है, उतना ही बात है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा, नीचे दिए गए खंडों ए बी सी डी ई में से संरेख बिंदु के समूह को लिखिए। अब देखिए, संरेख बिंदु के समूह को लिखना है हमको। देखिए फ्रेंड्स, संरेख बिंदु में अभी ही आपको बताई हूँ कि क्या होता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु एक ही लाइन में कई बिंदुओं का होना संरेख बिंदु कहलाता है। जैसे ये फर्स्ट नंबर, ये संरेख बिंदु है क्योंकि एक लाइन में 2 बिंदु हैं। फिर ये थर्ड, तीसरा, सी नंबर, ये संरेख बिंदु है, एक लाइन में 3 बिंदु। और ये ई नंबर, ये भी संरेख बिंदु है, एक लाइन में
तीन बिंदु है, ठीक है। तो ये ए सी ई ये क्या है, संरेख बिंदु है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, और बाकी ये क्या है, असंरेख बिंदु है ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट है पांचवा, निम्न माप की लंबाई के रेखाखंड खींचे। अब हमको इनके माप के लंबाई के रेखाखंड खींचना है, चलिए मैं आपको खींच करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है कि जो 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, इनके माप का हमको क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। चलिए मैं आपको मापने वाला बताई थी ना, हम फर्स्ट को देखते हैं कैसे मापना है। मैंने आपको पहले ही बताया जो ये जीरो वाला बिंदु होता है यहाँ से हमको शुरू करना है, कितना बोला है 6 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ 6 पर रुक जाना है। तो यहाँ से हम लोग ये खींचे, लाइन खींचे और यहाँ पर 6 में रुक जाना है। हम लोग रुक गए, देखिए 6 सेंटीमीटर हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये 6 सेंटीमीटर ये हो गया। सेकंड को देखते हैं, 5 सेंटीमीटर बोला है तो 5 सेंटीमीटर करेंगे, ये यहाँ से हम जाएंगे और इस प्रकार ऐसे हम लोग 5 सेंटीमीटर में आकर के रुक जाएंगे। अभी इसको हम लोग पी क्यू नाम दे देते हैं और ये 5 सेंटीमीटर। अभी 4.5 है तो यहाँ पर हम लोग खींच देंगे, 4.5 की लंबाई का यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार कर लेते हैं, 4.5 यहाँ से करेंगे, यहाँ से खींचा, ये 4.5 यहाँ पर आ गया, ये बड़ी लाइन जो होता है ना यहाँ पर ही 4.5 आ गया। अब इसको आर एस टी इस प्रकार हम लोग नाम दे देते हैं इसको, और 4.5 सेंटीमीटर ये खींचा गया रेखाखंड। आई होप बहुत सरल है, आपको समझ भी आया होगा। इस प्रकार मैं आपको जितना भी आंसर बताते जा रही हूँ, आप अपने चाहे तो फेयर कॉपी में लिखते जाइए, बनाते जाइए सारे प्रश्नावली के सवाल को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर छठवा है, एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचिए। अब यहाँ पर ये संरेख बिंदु बनाने के लिए बोल, संरेख रेखा बनाने के लिए बोल रहा है, संरेख बिंदु बना बन के। अब एक ही रेखाखंड में हमको 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचना है। चलिए मैं आपको खींच के दिखाती हूँ कैसे खींचना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला है कि एक ही सरल रेखा में क्या करना है हमको, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचना है। अब देखिए पहले तो मैं यहाँ पर यहाँ से खींचूँगी, यहाँ से और यहाँ से लूँगी 3 सेंटीमीटर, पहले खींचूँगी यहाँ से, ये 3 सेंटीमीटर ये यहाँ पर खींच दी मैंने, ठीक है इतना खींच दी। अब उसके बाद क्या करना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ ऐसे खिसकाना है इसको यहाँ पर से। अब यहाँ पर फिर से 5 सेंटीमीटर करना है, तो ये संरेख बिंदु भी बन रहा है साथ ही साथ, ये संरेख बिंदु देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 सेंटीमीटर खींचना है, तो ये मैंने ये 5 सेंटीमीटर खींचा और यहाँ पर इस प्रकार मैंने बिंदु बना दिया। उसके बाद यहाँ से 6.5 खींचना है, यहाँ से 6.5 करना है, तो ये है 6.5, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने संरेख बिंदु जैसा ही 3 रेखाखंड, ये एक हो गया, एक रेखाखंड हो गया, यहाँ पर ये दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा हो गया, ए बी सी डी, इस प्रकार से मैंने ये रेखाखंड एक ही लाइन में 3 रेखाखंड खींच दिए। इतना ही, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 6.5 सेंटीमीटर का है, इस प्रकार हमने ये रेखाखंड खींच दिया। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवें नंबर, नीचे रेखाखंड दिए गए हैं, इनकी लंबाई की योग के बराबर रेखाखंड खींचिए। फ्रेंड्स हम लोगों ने 5वें नंबर के क्रियाकलाप वाले वीडियो में रेखाखंड के योग के बराबर रेखाखंड खींचा है और रेखाखंड के अंतर के बराबर रेखाखंड खींचा है। अब चलिए मैं इसको अच्छे से आपको बना के दिखाती हूँ कि किस प्रकार इसको बनाना है। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, 2 ठो इसमें है और 2 ठो ये अंतर वाला, 8वें नंबर नीचे दिए गए रेखाखंड की लंबाई के अंतर के बराबर रेखाखंड खींचिए। अब चलिए मैं इसको योग के बराबर वाला बताती हूँ कि कैसे करके इसको खींचना है।
देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, सबसे पहले पहला नंबर वाला है, ठीक है। हम लोगों ने कैसे सीखा हुआ था क्रियाकलाप में, वैसे ही हमको बनाना है। सर्वप्रथम क्या करना है, हम लोगों सबसे पहले एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच लेना है, ऐसे हमको ऐसे खींच लेना है। कितना खींचे हम लोग पता नहीं है ना, इतना खींच लेना है। अब इनको नाम क्या देना है, एक्स और वाई, इस प्रकार हमको नाम देना है इनको। अब इसमें कोई बिंदु पी लेना है, हम लोगों को इस प्रकार एरो बना देंगे ऐसे, इसमें कोई बिंदु पी, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बिंदु पी ले लिए, केंद्र बिंदु मान रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको ए बी रेखाखंड को माप के हम लोग डिवाइडर चलाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको माप रहे हैं, देखिए मैं एकदम से ऐसे माप के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने मापा, दिख रहा है ना। अभी बिंदु पी में मैंने नोक को रखा, इस प्रकार मैंने चाप काट दिया, अब मुझे क्या मिल गया, बिंदु यहाँ केंद्र बिंदु क्या मिल गया, ओ क्यू मिल गया, मुझे क्या मिला, केंद्र बिंदु क्यू मिला। यहाँ पर मैं इस प्रकार से मैं बिंदी कर देती हूँ। उसके बाद सी डी को मुझे मापना है। अब चूँकि हम लोग योग कर रहे हैं तो आगे साइड जाएंगे। अब केंद्र बिंदु ये मिला, अब पहले मैं इसको बना लेती हूँ ना, इसको मैं पहले बना लेती हूँ इस प्रकार से, ये देखिए ये है। अब इसको इस केंद्र बिंदु में मुझे रखना है, अब इस प्रकार से मुझे इस प्रकार से काटना है। तो इसको हम लोग क्या रख देंगे, नाम एस रख दिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने बना दिया ना। अब इसके योग के बराबर, अब इसको और यहाँ पी एस, इसको इसको यहाँ पर हम लोग माप लेते हैं कि कितना हो रहा है, तो इसका ये योग निकल जाएगा। ये कितना है, ये देखिए 6.9 है, कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 6.9 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई का योग कितना है, 6.9 सेंटीमीटर है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे, और नेक्स्ट को देख करके एक बार हम लोग इसमें रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद हम लोग लिख सकते हैं इसमें, लिखना तो लिखेंगे तो बहुत टाइम भी हो सकता है इसमें, लेकिन रचना के पद कैसे लिखना है हम लोगों को, कैसे लिखना है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पहला नंबर सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या किया हम लोगों ने, एक्स वाई का एक सरल रेखा खंड खींचा, सरल रेखा खींचा, रेखा खींचा, ये हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या डालेंगे, इस रेखा में, इस सरल रेखा में बिंदु पी लिया, क्या लिया, बिंदु पी को केंद्र माना, को केंद्र बनाया, ऐसे लिखेंगे केंद्र बनाया, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा हो गया, फिर बिंदु पी से क्या किया हम लोगों ने, केंद्र बिंदु पी से, केंद्र बिंदु पी से ए बी को डिवाइडर से, डिवाइडर से नापा और चाप काटा, और क्या किया, चाप काटा, इस प्रकार चाप काटा। तो हम लोगों को क्या, चाप काटने से, चाप काटने से केंद्र बिंदु क्या मिला हमको, केंद्र बिंदु क्यू मिला। फिर पांचवा, क्यू केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से पुनः रेखा सी डी को डिवाइडर से नापा, डिवाइडर से नापा, ठीक है, डिवाइडर से नापा। अब यहाँ पर छठवा लिखेंगे, डिवाइडर से नापा, ठीक है। फिर केंद्र क्यू से चाप काटा, चाप काटा जिसमें एस
केंद्र बिंदु मिला, एस केंद्र बिंदु मिला, फिर छठवां इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के क्या मिला हमको, रेखा पी एस मिला जो ए बी और सी डी के योग के बराबर है, योग के बराबर है। इस प्रकार ये क्या है, रेखाखंड। हम लोगों ने जैसा जैसा बनाया है वैसे ही वैसे हम लोगों को लिखना है। ये क्या है, इसका रचना के पद हैं कि किस प्रकार हम लोगों ने बनाया है इसको, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है, इसमें मैं फर्स्ट डेमो दिखा दी हूँ, नेक्स्ट वाले में मैं रचना पद नहीं बताऊँगी, आपको खुद से ही लिखना है, एकदम सेम ऐसे ही लिखना जैसे आप लोगों ने किया उसी प्रकार आपको लिखना है। अब नेक्स्ट फिर से यहाँ पर देखना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला ए बी और सी डी है, इसको हमको बनाना है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट को बनाना है, अब नेक्स्ट में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, फट से बनाऊँगी इसको। पहले एक रेखाखंड खींचना है, इसको एक्स वाई का नाम देना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसके बाद फिर कोई बिंदु पी लेना है, ठीक है, पी लिए। उसके बाद फिर इसमें इसको मापना है, इस प्रकार से ऐसे रख के माप दिए। मापने के बाद यहाँ पर केंद्र बिंदु पी माने, वहाँ से चाप काट दिए। यहाँ पर एक और बिंदु हमको मिल गया, इसको क्यू मान लिए। अब यहाँ से फिर से इसको हमको मापना है, देखिए इसको फिर से हमको मापना है। इस प्रकार हम लोग ये देखिए माप लिए, मापने के बाद फिर केंद्र बिंदु क्यू मिला है वहाँ पर रखना है, और रखने के बाद यहाँ पर फिर से चाप काट देना है, तो यहाँ पर हमको फिर से एस मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, इन दोनों के योग के बराबर है। इसको हम लोग थोड़ा सा माप भी लें, देखें 9 डिग्री है ये, सॉरी 9 सेंटीमीटर ही है, इन दोनों की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, ये योग वाला रेखाखंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे आप लोगों ने बनाया, मैंने जैसे जैसे बनाया है वैसे ही आप लोगों को करना है, और उसमें आपको रचना के पद को लिखना है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए रेखाखंड की लंबाई के अंतर के रेखाखंड खींचिए। अब लंबाई के अंतर के रेखाखंड खींचना है, कैसे खींचना है चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको फिर से ये करना है, ठीक है, रेखा खींचना है, इस प्रकार से रेखा खींचना है, रेखा हम लोग खींच देंगे पहले से। इस प्रकार हम लोगों ने रेखा खींचा, इसका नाम रखेंगे एक्स एक्स वाई, एकदम सेम प्रोसेस वही करना है, इसमें बस घटाना है। कोई बिंदु हमको यहाँ पर पी लेना है। अब इसमें देखना है सबसे बड़ा रेखाखंड कौन सा है, ए बी है, तो हम लोग पहले ए बी को माप लेना है, इस प्रकार डिवाइडर से मापने के बाद ये माप लिए। इसमें केंद्र बिंदु पी है, इसमें रखे और हम लोग इस प्रकार से चाप काट दिए, बड़ा रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ पर एक और बिंदु मिल गए, बिंदु क्यू हो गया। अब क्या करना है, ये सी डी है, सी डी को मापेंगे, और चूँकि ये अंतर है मतलब घटाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको फिर से वापस लौटा देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से लौटाए तो ये देखिए यहाँ पर चाप काट दिया, तो ये क्या हो गया, एस हो गया। तो इनके बीच की दूरी क्या है, इनके अंतर है, कितना अंतर है देखिए 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर, ये क्या मिला हमको, अंतर मिल गया, मतलब इतना इन दोनों का अंतर है। अब मैं इसका वो रचना पद ना नहीं लिखूंगी, आई होप आपको समझ में आ गया। इसको क्या करना है, लौटाना है। अब इसमें ऐसे लिखना, सर्वप्रथम हम लोगों ने एक एक्स वाई रेखाखंड खींचा, उसमें फिर एक केंद्र बिंदु पी माना, ऐसा लिखना है। उसके बाद फिर पी से हम लोगों ने ए बी रेखाखंड को डिवाइडर से मापा, और केंद्र बिंदु पी पर रख करके चाप काटा, जिसमें हमको क्यू ए क्यू केंद्र बिंदु मिला। अब उस क्यू केंद्र बिंदु से हम लोगों ने पुनः सी डी छोटे वाले रेखाखंड को माप करके डिवाइडर से फिर से पुनः उसको वापस लौटा करके एक चाप काट दिया, तो हम लोगों की ये रेखाखंड के अंतर रेखाखंड की लंबाई के अंतर हमको प्राप्त हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, अंतर है, यहाँ पर की दूरी क्या है, इन दोनों रेखाखंडों के अंतर की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी का एक ऐसे इस प्रकार हम लोग एक रेखाखंड पुनः खींचते हैं। पुनः खींच लिए, एक्स वाई लिख दिए हम लोग यहाँ पर, एक्स वाई लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा सी डी रेखाखंड है, इसको हम लोग इस प्रकार माप लेंगे। इस प्रकार से ये माप लिए, माप तो लिए हैं, यहाँ पर एक बिंदु केंद्र बिंदु पी मान लिए। अब माप लिए, हिला नहीं है ना, मैं इसको हिलाई उलाई नहीं हूँ। इस प्रकार हमको यहाँ पर ये चाप काट दिए, यहाँ पर फिर पुनः बिंदु कर दिए, यहाँ पर क्यू लिख दिए। अब यहाँ से छोटा रेखाखंड ए भी है, इसको भी माप लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से माप लिए, अब यहाँ से फिर लौटा के हमको इसको इस प्रकार चाप काट देना है। तो यहाँ पर बिंदु एस मिल जाए तो इनके बीच की दूरी क्या हो गया, ये दोनों रेखाखंडों की अंतर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा माप लेते हैं, 2.9 यहाँ पर आ रहा है, 2.9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों रेखाखंडों की अंतर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला और ये वाला समझ में आया होगा, जोड़ना वाला और घटाना वाला। अब इसको रेखाखंड को वैसे ही जिस प्रकार आ रहा है, आपको समझ में भी नहीं आया होगा तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप बुक का जो अंतर वाला है उसका आप लोग रचना पद देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ, मैंने हालांकि यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे तो थोड़ा बता भी देती हूँ मैं आपको, चलिए ठीक है बता भी देती हूँ। अब इसके रचना के पद को ना मैं थोड़ा सा रचना पद लिखती हूँ, घटाना वाला का, अंतर वाला का। पहला है सर्वप्रथम क्या किए हम लोगों ने, सर्वप्रथम एक्स वाई सरल रेखा खींचा, ये हुआ। उसके बाद फिर दूसरा सरल रेखा में एक पी बिंदु केंद्र माना, केंद्र माना, ये हुआ, ठीक है। थर्ड, फिर जो बड़ा रेखा खंड है सी डी उसे डिवाइडर से मापा, डिवाइडर से मापा। चौथा, फिर केंद्र बिंदु पी से चाप काटा तो हमें केंद्र बिंदु क्यू मिला। अब चूंकि अंतर है इस लिए छोटे रेखा को डिवाइडर से मापा और क्यू केंद्र से वापस लौटाकर चाप काटा तो बिंदु एस मिला, अतः पी और एस के बीच की दूरी ही रेखाखंड का अंतर है, का अंतर है। इस प्रकार से मैंने ये घटाने वाला अंतर वाला ये रचना के पद लिख दिए हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मैं नहीं लिख रही थी लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि आप लोगों को समझ में आया नया। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, वापस मैंने लौटाया है ए बी, देखिए ए बी कोई सा भी है, दोनों एकदम सेम है, जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इतना हो गया, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है, 12 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचकर उसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के तीन तीन रेखाखंड क्रमशः ए सी सी डी एवं डी बी में विभाजित कीजिए तथा निम्न तथ्यों को सत्यापित कीजिए। अब इसमें हमको सत्यापित करना है निम्न तथ्यों को, अब चलिए कैसे सत्यापित करना है मैं आपको दिखाती हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, सबसे पहले 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है,
ये यहाँ से हो गया ये 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड मैंने यहाँ पर खींच लिया, ठीक है 12 सेंटीमीटर का। अब उसमें क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए, हमने इसको नाम दे दिया ए बी, उसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 रेखाखंड क्रमशः खींचिए। अब इसी में हमको क्या करना है, पहले 3 सेंटीमीटर वाला बनाना है, उसके बाद फिर इसको क्या करना है, देखिए मैं बनाते भी जा रही हूँ ना, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर हो गया, फिर 4 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ से मैंने फिर से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर में वो कर दिया, निशान कर दिया, और यहाँ पर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये पूरा ये निशान हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, नाम देना ए बी, ए सी हो गया और ये डी हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, इतना हो गया। अब चित्र में क्या करना है, हमको सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, अब देखिए अब इनको ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला ए डी माइनस ए सी बराबर सी बी माइनस बी डी, अब इसमें ए बी ए डी ए और डी, ए डी कितना है, ए डी बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चाप काटा हुआ है ना, मतलब ये जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है वो चाप काटा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ए डी, ए डी बराबर, ए डी बराबर है, अब देखिए इसको क्या करना है, ए डी बराबर इसमें क्या करना है, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी करना है इसको ना, कैसे करना है, ए सी इनको क्या करना है, सत्यापित करना है। अब इसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं, कैसे करना है, यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले ये लिखा हुआ है, आपको आगे साइड समझ में आ जाएगा, बराबर ए सी बराबर कितना है, 3 है, प्लस सी डी बराबर कितना है, 4 है, इतना हुआ। उसके बाद फिर इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है 7 सेंटीमीटर हुआ। ए सी बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे ए सी, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ए सी बराबर, और यहाँ पर अब सी बी बराबर सी डी प्लस बी, सॉरी डी बी, डी बी तो यहाँ सी डी बराबर कितना सेंटीमीटर है, सी डी, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और ये डी बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब यहाँ पर डी बी बराबर 5 सेंटीमीटर, अब मान रखने पर इसमें अब क्या करना है, हमको मान रखना है, इतना हम लोगों ने इसका वो निकाल लिया ना, अब इसमें क्या करना है, मान रखना है, अब इसमें क्या करना है, हमको मान रखना है, तो मान रखने पर ए डी माइनस, अब देखिए मान रखा है ए डी, सॉरी फ्रेंड्स जो ये अनर्गल आवाज़ें आ रही हैं इसके लिए माफ़ कीजिएगा, मैं इसको बंद नहीं कर सकती हूँ। अब इसको हमको मान सूत्र को लिख देना है जिसमें हमको मान रखना है, और इसमें ए डी बराबर कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर, और ये माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर कितना आया है, सी डी बराबर यहाँ पर देखिए ना, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है आ रहा है ना, सी डी सॉरी सी बी, सी बी बराबर सी, सी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ये देखिए सी बी बराबर इन दोनों का, सी बी बराबर इन दोनों का मान 9 सेंटीमीटर, माइनस डी बी बराबर ये 5 सेंटीमीटर आया है। अब इसको क्या करना है, घटाना है, 7 में से 3 गया कितना बचा है यहाँ पर, 4, और 9 में से 5 गया कितना बचा है यहाँ पर, तो ये क्या है पूरा पूरा ये सत्य है, इधर भी सत्य हो गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम लोग, इधर इसमें क्या बोला है, इसको और इसको इन दोनों के मान को यहाँ पर बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये है नेक्स्ट ए बी माइनस सी डी और बराबर ए सी प्लस
डी बी इतना है। अब इसमें क्या किया, ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर है पूरा ना, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर क्या है, सी डी बराबर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर सी और डी बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ए सी। अब मान रखेंगे इसमें ए बी माइनस सी डी बराबर ए सी प्लस डी बी। अब इसमें मान रख देंगे ए बी 12 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और ए सी 3 सेंटीमीटर, डी बी 5 सेंटीमीटर। 12 में से 4 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 8। ये दोनों पक्ष क्या हो गया, ये दायां और बायां पक्ष दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, सेम। अतः कथन क्या है, कथन क्या है, सत्य है। अतः कथन क्या है, सत्य है। अब इसको फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बस मैंने जितना यहाँ पर बताया हुआ है उतना ही आप लोग ध्यान से देख करके लिख लीजिएगा। वैसे भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक एक क्वेश्चन को बनाने बनाने का वादा किया हुआ है कि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाऊंगी, मैंने वही किया है यहाँ पर, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न नंबर 10 है। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में इन बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, रेखाखंडों को खींची वो उनकी संख्या लिखिए। अब इसमें ये बिंदु है, मैंने पहले से इसमें रेखाखंड खींच के रखा हुआ है। कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, देखिए तीन बिंदु था, 1 2 3 तीन रेखाखंड खींचे, और ये भी है 1 2 3 तीन रेखाखंड इससे भी खींचा। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 रेखाखंड इसमें खींचा, और ये वाले में 1 2 3 4 5 और ये 6 रेखाखंड हुआ। इधर ये 6 7 8 9 फिर ये 10 10 और ये यहाँ पर ये 11 12 फिर ये 13 14 15, तो यहाँ पर पूरा ये 15 रेखाखंड खिंचाया हुआ है। और यहाँ से सिर्फ ये दो बिंदु में केवल एक ही रेखाखंड खींच सकते हैं। तो देखिए मैंने सरल शब्दों में इसको बना दिया है कितने कितने रेखाखंड खींच सकते हैं। आप इसको चाहें तो इस पर प्रकार से आप ए बी बी सी इस प्रकार से रेखाखंड आप लिख करके बता सकते हैं। अब हमने सीखा, मैं थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहला वी हैव लर्न हमने क्या सीखा। फर्स्ट है किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है। किरण एक प्रारंभिक क्या होता है, बिंदु होता है, और वह किसी एक दिशा में लगातार बढ़ती जाती है। तो देखिए ये किरण है, अब ये किरण किसी भी एक दिशा में लगातार बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता है, ये हो गया। फिर दूसरा सरल रेखा दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती है। सरल रेखा, ये सरल रेखा है जो दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती जाती है, लगातार इस प्रकार ये बढ़ रही है, देखिए। फिर नेक्स्ट है रेखाखंड सरल रेखा का एक निश्चित भाग है। रेखाखंड सरल रेखा का एक निश्चित भाग है जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निश्चित होता है। तो रेखाखंड क्या होता है, ये सरल रेखा का, अब सरल रेखा क्या होता है, दोनों तरफ बिना रुकावट के बढ़ते जाता है, लेकिन रेखाखंड एक सरल रेखा का एक निश्चित भाग होता है जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निश्चित होता है, तथा रेखाखंड को नापा जा सकता है। जैसे कि ये यहाँ तक है तो यहीं तक होगा, इसको नापा जा सकता है, लेकिन हम इसको यदि बोलेंगे सरल रेखा तो ये दोनों तरफ बढ़ते जाएगा, और इसको बोलेंगे रेखाखंड तो ये दोनों तरफ नहीं बढ़ेगा, एक निश्चित जगह होता है, निश्चित माप होता है इसका। चौथा सरल रेखा व किरण की लंबाई को मापा नहीं जा सकता। देखिए सरल रेखा और ये किरण की लंबाई को मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये अनंत तक बढ़ते रहते हैं। पांचवा दो रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो दो रेखाएं अधिकतर एक बिंदु, मान लीजिए कि ये और ये अधिकतम एक ही बिंदु पर काटे हैं, ज़्यादा बिंदु पर नहीं काटती हैं। छठवा एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं तथा एक बिंदु से असंख्य किरणें खींची जा सकती है। देखिए एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं,
खींची जा सकती है तथा एक बिंदु से असंख्य किरणें और एक ही बिंदु से असंख्य किरणें भी निकाली जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर पूरा डेमो दिखा करके बता दिया है कि कैसे कैसे है, हम लोगों ने क्या क्या इसमें सीखा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये गणित पढ़ाने की वाला तरीका समझ में आता होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।